ये बारिश का मौसम, ये हरियाली और उसमें स्मोकिंग हॉट एरोमेटिक खाना, वाह क्या बात है। तो चलो आज बनाते हैं रोजमेरी मैरिनेटेड कॉटेज चीज या पनीर। हमने पनीर टिक्का तो बहुत खा लिया, तो चलो कुछ आज अलग बनाते हैं। और इसके लिए हमें बस 3-4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ढेर सारा पेशेंस चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हम जब मैरिनेट करते हैं तो ये जितनी ज्यादा मैरिनेट होती है उतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमें चाहिए नींबू, रोजमेरी, मैंने ड्राई रोजमेरी ली है क्योंकि अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी हो तो फ्रेश रोजमेरी ले लीजिए, और ढेर सारे गार्लिक। आप इसे या तो कूट के ले लीजिए या छोटी छोटी स्लाइसेस में काट के ले लीजिए, मगर मैं इसे ग्रेट करके लूंगी। जनरली कूट के लेना मैरिनेशन में ज्यादा फायदा नहीं देता है, या तो आप इसे छोटी छोटी स्लाइसेस में काट लीजिए या तो आप इसे ग्रेट कर दीजिए। और मैंने लिया है फ्रेश पनीर, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है लेमन जेस्ट निकालेंगे, और मैं 2 लेमन्स की जस्ट लेने वाली हूँ क्योंकि मेरा पनीर, मैंने अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ मेरा पनीर है। बेसिकली मैरिनेशन में जो भी चीजें जाती हैं वो अपने पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। अगर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैरिनेशन चाहिए तो आप ज्यादा डाल दीजिए। आप जब लेमन जेस्ट निकालें तो इस चीज का ध्यान रहे कि आप सिर्फ येलो हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप लेमन का व्हाइट पार्ट अगर आप जेस्ट में लेके आओगे तो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जेस्ट ली है। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड गार्लिक। अगर आपको ग्रेट करने में पेशेंस ना हो तो आप इसे या तो छोटी छोटी स्लाइसेस में काट लीजिए, अगर स्लाइसेस में भी काटने का मन ना हो तो आप इसे कूट के ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नींबू, तकरीबन 2 नींबू का जूस है इसमें जो मैं डाल रही हूं। मैरिनेशन के लिए एसिडिटी और फैट दोनों की भी जरूरत है, तो ये है मेरे 2 नींबुओं का जूस। अब इसमें हम डालेंगे रोजमेरी। रोजमेरी अगर आपको क्रश करके डालनी है तो क्रश करके डाल दीजिए, और तकरीबन 5 to 6 टीस्पून्स ऑफ ऑयल। थोड़ा सा जेनरस भी हो सकते हैं। मैंने यहां पे 6 से 7 चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लुक एट दिस, दिस लुक्स सो गॉर्जियस। मैं इसमें और कोई हर्ब्स नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे रोजमेरी मैरिनेटेड कॉटेज चीज बना रही हूं तो वो सिर्फ रोजमेरी मैरिनेटेड कॉटेज चीज ही होना चाहिए। नहीं तो जनरली हम बहुत सारे स्पाइसेस डाल देते हैं, और जो एक स्ट्रॉन्ग पंच जो किसी भी एक स्पाइस का या हर्ब का होता है वो कहीं गायब हो जाता है। तो मैं इसमें सिर्फ रोजमेरी ही डाल रही हूँ, मगर आपको अगर बहुत सारे डिफरेंट हर्ब्स पसंद है तो आप ऑरिगेनो डाल सकते हो, आप पार्सली डाल सकते हो, ये आपकी पसंद है। तो हम इसे रख देते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और हम अपना पनीर के स्लाइसेस बना लेते हैं। मैंने लिया है अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ पनीर, तो मैं इसे 1/2 इंच थिकनेस में काट रही हूँ। मैं बड़ी बड़ी स्लाइसेस में से काट रही हूँ। ये स्लाइसेस जितनी पतली होंगी उतना अच्छा होगा, मगर ज्यादा पतली होंगी तो हम इसे ठीक से
ग्रिल नहीं कर पाएंगे। This is so fresh. है ना बहुत इजी। अब जो हमारा ये जो मैरिनेशन बना है इसमें हम ये स्लाइसेस डुबा देंगे। इसे अच्छे से मसाज कीजिए, इसे हम डुबा देंगे। हमें इसे अच्छे से मैरिनेट करके रख देना है। कम से कम 3 घंटे आपको इसे मैरिनेट करना है। अगर आप इसे ओवरनाइट या मोर देन 24 आवर्स अगर आप इसे मैरिनेट कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, बट जब कुछ खाने की इच्छा हो और 24 घंटे का इंतजार थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आप बिल्कुल 3 या 4 घंटे में इसे मैरिनेशन पे रख सकते हो, मगर कम से कम 3 से 4 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हमारे रोजमेरी मैरिनेटेड कॉटेज चीज तैयार है, पनीर टिक्का से थोड़ा हटके, कभी कुछ डिफरेंट। तो इसे हम 3 या 4 घंटे तक मैरिनेट करेंगे। अगर आप इसे, जैसे मैंने बताया, अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, मगर आज मुझे रोजमेरी मैरिनेटेड पनीर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं इसे 4 घंटे तक मैरिनेट करूंगी और इसे मैं फिर ग्रिल करूंगी। अगर आपको बेक पसंद है तो आप बिल्कुल ऐसे ही ओवन में रख सकते हो और बेक करके भी खा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी टेस्टी, बट मैं इसे ग्रिल करूंगी। तो चलिए मिलते हैं 4 घंटे बाद। मैरिनेटेड कॉटेज चीज अभी ग्रिल पे लगने के लिए तैयार है। इसको मैंने तकरीबन 4 या 5 घंटे तक मैरिनेट किया था और अभी बिल्कुल तैयार है ग्रिल पे लगने के लिए, और इसको मैं ग्रिल करूँगी ग्रिल तवा पे। अगर आपके पास कोई भी और ग्रिल है तो आप उस पर उसको ग्रिल कर सकते हो। अगर आपको ओवन में उसको ग्रिल करना है तो आप उसको बिल्कुल ओवन में ग्रिल कर सकते हो। इसके साथ मैं एक लेमन भी ग्रिल करूँगी। चार्ड लेमन जूस का जो टेस्ट होता है, इट्स समथिंग अमेजिंग, आप जरूर ट्राई करना। तो ये हमारा रोजमेरी मैरिनेटेड कॉटेज चीज, जिसे हम इटालियन पनीर टिक्का भी कह सकते हैं, तैयार है बिल्कुल तवे पे जाने के लिए, ग्रिल होने के लिए। लुक्स सो गॉर्जियस। इसे हमें अपने हिसाब से ग्रिल करना है। और इसके साथ मैं रखूंगी 2 लेमन जो ग्रिल होंगे, इतने ग्रिल होंगे कि इसका एक चार्ड एरोमा आएगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट लुक एट इट, इट लुक्स सो वाव। ग्रिल आपको अपने हिसाब से करना है। अगर आपको ज़्यादा स्मोकी टेस्ट पसंद है, अगर आपको ज़्यादा चार्ड टेस्ट पसंद है तो आप इसे ज़्यादा टाइम तक ग्रिल करें। अगर आपको हल्का सा ग्रिल पसंद है तो आप इसे हल्के से ग्रिल करें। मुझे चार्ड टेस्ट बहुत पसंद है, जो चार्ड एरोमा होता है। ग्रिल खाने का मज़ा तभी है जब वो हल्का सा
चार्ड हो, स्मोकी स्मेल। ये रहे मेरे नींबू, आप देख सकते हो, इसे मैं सेंटर में रख दूंगी। मैंने एक नींबू रखा है, अगर आपको ज़्यादा लेमन टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा लेमन डाल सकते हो। वैसे आपको याद होगा कि हमने जब मैरिनेट किया था तभी इसमें काफ़ी लेमन जूस हमने ऐड किया था, तो ज़्यादा लेमनी देन तो फिर वो जो हमारा रोज़मेरी का जो टेस्ट है उसको वो ओवर पावर कर जाए। मी सर्व दिस, this is something out of this world. जो था आप देख सकते हो, जो लेमन हमने चार्ट किया था, मैं इसी को अभी इसके ऊपर इसी से सर्व करूँगी। Some more to go with. टेस्ट करते हैं रोजमेरी मैरिनेटेड कॉटेज चीज, इसे हम इटालियन पनीर टिक्का भी बोल सकते हैं। Delicious. Have a very strong flavor of rosemary. Very tangy, lemony. The lemon zest that we added. Friends, this is a perfect dinner in this rainy season. Instead of having fried things, we can just have this healthy grilled paneer. Perfect for dinner. You can pair it with rice or just grilled vegetables. Delicious. If you like this recipe, please don't forget to subscribe our YouTube channel and stay connected only on Food Connect.